नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान की थड़ी में। हम लेकर आए हैं प्रश्नोत्तर सीरीज। जो हमारी प्रश्नोत्तर सीरीज चल रही है, इसके कुछ क्वेश्चन आज हम और डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का नवगठित 33वां जिला प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? राजस्थान का नवगठित 33वां जिला, अब यहां पता चल रहा है 33वां जिला कौन सा था, प्रतापगढ़। ये एक क्वेश्चन इससे एकदम एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है। 33वां जिला कौन सा था, प्रतापगढ़। अब किन क्षेत्रों को मिलाकर उसका गठन किया गया था, वो है बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ को मिलाकर प्रतापगढ़ का गठन किया गया था। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया था। हम मैप में भी आपको बता देते हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़, इन तीनों जिलों को मिलाकर प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त पद को समाप्त कर उसे पुनः स्थापित किया गया? किन वर्षों में संभागीय आयुक्त यानी संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया था, उसके बाद पुनः स्थापित किया गया? यहाँ पर वर्ष पूछा गया है। इसका आंसर है 1962 में इसे समाप्त कर दिया गया, 1987 में इसे पुनः स्थापित कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुखाड़िया सरकार के शासनकाल में इसे समाप्त कर दिया गया था संभागीय आयुक्त पद को, और हरदेव जोशी की सरकार के शासनकाल में इसे पुनः स्थापित कर दिया गया। अगर आपको इसे याद करने में दिक्कत आ रही है तो हम इसकी ट्रिक बता देते हैं। सूखा हुआ यानी अगर कोई चीज सूख जाती है यानी वो खत्म हो जाती है, यानी सूखा हुआ यानी समाप्त हो गया। हरिदेव जब हरि आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं, तो वह वस्तु या चीज वापस पुनः स्टार्ट हो जाती है। तो यह एक ट्रिक है याद करने की, इजी सी, ताकि आपको याद रहे और आप कभी भूले ना। था आरएएस एग्जाम 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का 33वां जिला जो 2007 में बना था किस संभाग में है? यहाँ पर 33वें जिले की बात हो रही है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि 33वां जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। 33वां जिला बना था और यह कब बना था, 2007 में बना था, यह भी याद रखिएगा। उदयपुर संभाग में पड़ता है राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़। थर्ड ग्रेड 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग पूछा है राजस्थान का, ध्यान रखिएगा संभाग की बात हो रही है। जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, जिसका क्षेत्रफल 1,17,800 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछ ले कौन सा है? या पहले तो संभाग पूछा गया था, अब है जिले का पूछा गया है कौन सा जिला है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसकी लंबाई 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो ढोलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। यह भी पूरी डिटेल को ध्यान में रखिएगा, इसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है? राजस्थान का 27वां जिला ढोलपुर बना था 1982 में ढोलपुर बना था राजस्थान का 27वां जिला। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग और सबसे छोटा जिला कौन सा है? संभाग और जिले दोनों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो हम आपको आंसर बताते हैं। भरतपुर संभाग सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ढोलपुर जिला सबसे छोटा जिला है। देखिए पूर्व में पड़ता है यहाँ पे ढोलपुर, सबसे पूर्वी जिला भी है राजस्थान का ढोलपुर, तो सबसे छोटा जिला भी है राजस्थान का ढोलपुर। और सबसे छोटा संभाग पूछा है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने येलो किया हुआ है जिन जिलों को, वह सब संभाग है। तो सबसे छोटा संभाग आपको पता चल जाएगा कौन सा है, वो है भरतपुर। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं?
यह प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम्स में, तो यहाँ पर आंसर है चार जिले हैं भरतपुर संभाग में। और यह भी बता देते हैं कि भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं, चार हैं हमने भी बताया है आपको, और मैप की सहायता से बताते हैं भरतपुर संभाग है इसमें चार जिले आते हैं भरतपुर, ढोलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये चार जिले भरतपुर संभाग के अंतर्गत पड़ते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था पटवार 2011 के एग्जाम में। अगला प्रश्न आता है राजस्थान का मध्यमवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर राजस्थान का मध्यमवर्ती संभाग है। मैं देख सकते हैं ये अजमेर मध्यमवर्ती संभाग है राजस्थान का। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? अगर आपको क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा 1,32,139 वर्ग मील। तो इस प्रकार का क्वेश्चन थर्ड ग्रेड 2011 में पूछा गया था, पटवार 2011 की परीक्षा में पूछा गया था और आरएएस 2003 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल, 10.41% भारत के क्षेत्रफल का इसमें हिस्सा आता है, 10.41% जो सेकंड ग्रेड 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपकी अगर कोई राय है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।